के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट, मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पार्टी का टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी श्रृंखला में आज कोटपुतली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, पार्टी ने मुझे चौथी बार टिकट देकर मुझ पर नहीं बल्कि जनता पर विश्वास जताया और हम इस पर खरा उतरेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जनता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और निश्चित तौर पे आज से हमने जो है चुनाव का जो है कार्य शुरू किया है और आने वाली 4 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जो विकास की कमी रह गई थी कोटपुतली में उसको और गति मिलेगी। सरकार ने चौथी बार आपने विश्वास जताया और कोटपुतली आपको दोबारा भेजा, आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या ऐसे कांग्रेस पार्टी ने मुझे चौथी बार विश्वास जताया है, वो मुझ पे नहीं कोटपुतली की जनता पे विश्वास जताया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने कोटपुतली को जिला बनाया। कोटपुतली के अंदर सीवर लाइन, बाईपास, पेयजल योजना स्कीम्स, हॉस्पिटल्स का इनकी भरमार कर दी है और अब जो मुद्दा बचा है वो है हमारे यहाँ नहर का पानी लाने का। अगली बार हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले कोटपुतली के अंदर नहर का पानी लाने का हमारा प्रयास हुआ।